कौन से ऑयल का इस्तेमाल आपकी स्किन के लिए बेहतर होगा ये चुनने में हम आज आपकी मदद कर रहे हैं। इस एपिसोड के माध्यम से पूर्णतः एपिसोड देखिए, आपको अपनी स्किन के अकॉर्डिंग कौन से ऑयल का इस्तेमाल करना चाहिए पता चलेगा, जो कि बेहद खास है अगर पूरे जीवन आपको स्वस्थ रहना है तो, और स्किन खास करके अच्छी रखनी है तो। एसेंशियल ऑयल्स त्वचा की देखभाल में मददगार होते हैं। इनका उपयोग क्रीम, सीरम इत्यादि में किया जाता है। रोजाना इन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करके त्वचा को खूबसूरत और जवां बनाए रखा जा सकता है। यूं तो एसेंशियल ऑयल कई प्रकार के होते हैं, पर कुछ ऐसे हैं जिनका इस्तेमाल आमतौर पर होता है। आइए सौंदर्य के इस बहुत ही बेहतरीन नियम को जानते हैं। सबसे पहले तो कैसे चुने कि हमारे लिए कौन सा ऑयल बेहतर है, तो इसमें सबसे पहले लेते हैं टी ट्री ऑयल को, जिसके लाभों को जानते हैं और कैसे स्किन पर इस्तेमाल करना है और कैसे इस्तेमाल करना है ये भी जानेंगे। यह ऑयल तैलीय त्वचा वालों के लिए बेहद फायदेमंद है। इस तरह की त्वचा वालों को आमतौर पर मुहासों की शिकायत रहती है। यह तेल कील मुहासों के लिए जिम्मेदार है। जी हाँ, बैक्टीरिया को नियंत्रित करता है और दाग धब्बे दूर करने में भी मददगार होता है। नियमित तौर पर इस्तेमाल करने से त्वचा संबंधी समस्याएं दूर हो जाती हैं। आपकी टी ट्री ऑयल को इस्तेमाल करेंगे तो दाग धब्बे फुंसियां भी दूर होंगी और आपकी स्किन ग्लोइंग बनी रहेगी। कैसे इस्तेमाल करें? चेहरे को अच्छी तरह से साफ कर लें। इसके बाद 5 से 6 बूंद टी ट्री ऑयल और 5 से 6 बूंद ही शहद मिला लें। इसके बाद 15 से 20 मिनट बाद चेहरे को अच्छे से धो लें। रोजाना इस्तेमाल कर सकते हैं आप इसका। सोने से पहले एसेंशियल ऑयल्स का इस्तेमाल करना अधिक फायदेमंद होता है आपकी स्किन के लिए। अब बात कर लेते हैं कैरोट सीड ऑयल के बारे में। जी हाँ, यह सूरज की तीव्र किरणों से त्वचा की रक्षा करता है। जो लोग धूप में ज्यादा रहते हैं या जिन्हें जल्दी टैनिंग हो जाती है, उनके लिए यह सबसे बढ़िया ऑयल है। कैसे इस्तेमाल करना है इसका? 1 बड़ा चम्मच शिया बटर, 2 बूंद कैरेट सीड ऑयल और 2 बूंद लेमन ऑयल, 2 बूंद फ्रैंकिनसेंस यानी कि लोबान ऑयल को अच्छी तरह से मिला लेना है। इसके बाद चेहरे और गर्दन पर मसाज करके रात भर के लिए छोड़ देना है। इसे रोज इस्तेमाल कर सकते हैं आप। मिश्रण को बना करके 1 हफ्ते तक उपयोग में भी ला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपको फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं लेमन ऑयल की। जी हाँ, यह विटामिन सी से भरपूर होता है। इसका इस्तेमाल अक्सर घरेलू नुस्खों में होता है। यह समय से पहले नजर आने वाली झुर्रियों झाइयों को दूर करने में सहायक होता है, साथ ही साथ तनाव भी भगाता है। इसे सभी तरह की त्वचा वाले लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे करें इसका इस्तेमाल? तो चेहरा साफ करके 20 बूंद लेमन ऑयल और 200 मिलीग्राम सैफ फ्लावर ऑयल को अच्छी तरह से मिला करके बोतल में रख लेना चाहिए। रोज सोने से पहले इसे चेहरे, गर्दन और जहां चाहें पूरे शरीर पर भी लगा सकते हैं। अगले दिन नहाते वक्त इसे अच्छे से साफ कर लें। अब बात कर लेते हैं लेवेंडर ऑयल की। जी हाँ, यह ऑयल त्वचा को निखारने का कार्य करता है, साथ ही साथ त्वचा की रंगत को एक समान भी करता है। जिसकी त्वचा लाल रहती है या जलन इत्यादि होती है, वे भी इस ऑयल का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे इस्तेमाल करना है? 2 से 3 बूंद लेवेंडर ऑयल और 5 बड़े चम्मच एलोवेरा जेल को मिला लीजिए। चेहरा साफ करके रोजाना इस मिश्रण को लगाइए। 20 मिनट बाद चेहरे को धो लीजिए। रात भर लगा करके भी आप चाहें तो रख सकते हैं, आपको लाभ होगा। अब बात कर लेते हैं हम सभी रोजमेरी ऑयल के संबंध में। जी हाँ, यह त्वचा को गहराई में साफ करता है, उसे जवां बनाए रखने के साथ ही चेहरे का रक्त संचार भी ठीक रखता है। बस इसके इस्तेमाल का तरीका जान लेते हैं कैसे करना है। बॉल में आप 6 बूंद रोजमेरी ऑयल और 1 चम्मच एलोवेरा जेल को मिला लीजिए। इससे चेहरे और गर्दन की मसाज कीजिए। 15 से 20 मिनट के बाद आपको धो लेना है, या फिर रात भर लगा करके भी इसको आप रख सकते हैं। रोजाना इस्तेमाल में लाया जा सकता है इसको। हर तरह की त्वचा वाले लोग इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी स्किन के लिए बेस्ट ऑयल के रूप में कार्य करेगा, यानी कि आप अपनी स्किन और कार्य के अकॉर्डिंग ऑयल का चुनाव कीजिए तो आपकी स्किन हमेशा हेल्दी रहेगी और जवां दिखेगी। आज की ये वीडियो आप सभी के लिए रही। ऐसी ही नॉलेजफुल वीडियो के लिए आप सभी चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़ जाएं और बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, ताकि ऐसी नई वीडियो जब भी हम लेकर के आएं नोटिफिकेशन आप सभी को सबसे पहले मिले। लाइक कीजिए वीडियो अगर आप सभी को पसंद आया, शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जिनको इसकी ज़रूरत है, और कमेंट कीजिए अगर आपके मन में कोई भी सेहत संबंधी सवाल हैं तो। हम आने वाले दिनों में उन टॉपिक्स पर आप सभी के लिए वीडियो ज़रूर बनाएंगे। वीडियो के तक आप सभी हमसे जुड़े हुए हैं, इस बात की बेहद खुशी है हमें। दिल से धन्यवाद। नमस्कार मित्रों।